Let's do question number 7th of exercise 3C, that is linear equation 2 variable. Question number 7th is, solve each of the following system of equations by using the method of cross multiplication. Hame ye dono equations solve karni hai, lekin cross multiplication method se. To kaise karenge, chaliye dekhte hain. Hamari first equation hai 7x minus 2y equals to 3. Aur second equation hai hamari 22x माइनस 3y इक्वल्स टू 16. ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको c1 और c2 को लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे. तो ये हमारी इक्वेशन आ गई 7x माइनस 2y माइनस 3 इक्वल्स टू 0. प्लस का था तो माइनस का हो गया. इसी तरीके से 22x माइनस 3y माइनस 16 इक्वल्स टू 0. अब हमें एक जो जो वेरिएबल दिए हुए हैं वो रख लिए. अब b1 B2, C1, C2, A1, A2 and B1, B2. अब B1, B2 क्या है? Y के coefficients, तो minus 2 and minus 3, तो minus 2 and minus 3, दोनों जगह रख लिए. और A के coefficients है 7 and 22, तो 7 and 22. और C के coefficients है minus 3 and minus 16. तो माइनस 3 एंड माइनस 16. तो अब फॉर्मूला क्या बना, x अपॉन बी वन इंटू सी टू माइनस बी टू इंटू सी वन इक्वल्स टू y अपॉन सी वन इंटू ए टू माइनस सी टू इंटू ए वन इक्वल्स टू 1 अपॉन ए वन इंटू बी टू माइनस ए टू इंटू बी वन. तो अब क्या लिखेंगे, वैल्यूज लिख देंगे. बी वन था हमारा माइनस टू इंटू माइनस 16 माइनस माइनस 3 इंटू माइनस 3 इक्वल्स टू वाई. इन सब की वैल्यूज लिख रही हूँ, ऑलरेडी यहाँ पे बता चुकी हूँ कि कौन सा बी वन है बी टू. अब उसकी जगह उसकी वैल्यूज लिख रही हूँ, राइट. तो सी वन था हमारा माइनस 3, ए टू था 22 माइनस माइनस 16 इंटू 7 इक्वल्स टू 1 अपॉन 7 इंटू माइनस 3 माइनस 22 इंटू माइनस 2. तो ये कितना आ गया, देखिए x के नीचे क्या आएगा, x अपॉन 16 टू इज 32 लेकिन प्लस का, और ये माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 9, तो 32 माइनस 9. तो हमने लिख दिया x अपॉन 32 माइनस 9 इक्वल्स टू y अपॉन के नीचे देखिए यहाँ पे क्या आया, 3 इंटू 22 इज 66 लेकिन माइनस का, और ये प्लस का 16 सेवनजा, 16 सेवनजा होता है 112, राइट. तो माइनस का 66 प्लस का 112, माइनस का 66 प्लस का 112, और 1 के नीचे देखिए क्या आएगा, माइनस का 21 और माइनस माइनस प्लस हो गया 44. तो माइनस का 21 और प्लस का 44, राइट. अब इसको सॉल्व कर लेंगे. देखिए ऑपोजिट साइन है, आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और साइन बड़े वाले का लग जाएगा. सेम केस इसके साथ है और सेम केस इसके साथ है. तो हमने किया x अपॉन 12 में से 9 गया 3 एंड 2, साइन बड़े वाले का प्लस था तो प्लस लग गया. इसी तरीके से y अपॉन 12 में से 6 गया 6 और 10 में से 6 गया 4 इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 में से 1 गया 3 एंड 4 में से 2 गया 2. सबका पॉजिटिव साइन आ गया. अब हम x के साथ कांस्टेंट वैल्यू और y के साथ कांस्टेंट वैल्यू ले लेंगे. तो x अपॉन 23 इक्वल्स टू y अपॉन 23 क्रॉस मल्टीप्लाई हुई तो ये आ गया 23x इक्वल्स टू 23 वन जा 23. तो x कितना आ गया 23 अपॉन 23, तो ये कैंसिल हो गए. तो x कितना आ गया 1. इसी तरीके से y अपॉन 46 है इक्वल्स टू 1 अपॉन 23 क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ. तो एट 23 y इक्वल्स टू 46 वन इज 46, तो y कितना आ गया 46 अपॉन 23. अगर इसे आप देखें 23 टू इज 46
तो y आ गया हमारा 2, तो हमें पता चल गया x 1 है और y है हमारा 2 is the answer.